फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैं हूं आपका अपना राजवीर। आज आपके सामने है निंजा 400 और इसकी बहुत सारी मॉडिफिकेशन है। पहले मैं सुनाऊंगा आपको एग्जॉस्ट साउंड, उसके बाद आपको इसकी सारी मॉडिफिकेशन सुनाते हैं आपको। साउंड सबसे पहले आपको देखने को मिलती है इसके अंदर ऑस्टिन रेसिंग की साउंड। आइडल पे रहिए, अब देते हैं थ्रोटल। नेक्स्ट आपको SC प्रोजेक्ट का टाइटेनियम क्रोम के अंदर, अब इसकी सुनाते हैं साउंड। ये आएगा आपका लिवेंसी का, इसकी भी सुनाते हैं साउंड। नेक्स्ट अब ये लगा देगा इसके अंदर एक्रा बेसिक। अब ये लगा देगा यशु मोरा का आपका टाइटेनियम कलर का, इसकी भी सुनते हैं साउंड। ये एक्रा का एक और मॉडल है जो बेसिक से बेसिक का लेटेस्ट मॉडल आया हुआ है, इसकी भी आपको साउंड सुनाते हैं कैसी है। ये आपका यशु मोरा का R77, इसकी भी साउंड सुनाते हैं कैसी आती है इसके अंदर। ये बेसी है। ये है बेसी। इसके बाद सुनाते हैं R1M। ये आपका हो गया है R1M का और साउंड इसकी काफी बेसी है। तो एग्जॉस्ट तो बहुत सारे निकल चुके हैं इसके अंदर, अब आपको फाइनल पे दिखाते हैं इनमें भैया वो पसंद कौन सा है कौन सा नहीं आया। तो आपने देखी एग्जॉस्ट की साउंड सुनी आपने, अब आपको दिखाते हैं इसकी फुल वीडियो जो मैंने बताया था आपको कि बहुत सारा इसमें सामान लगाया है, वो आपको चेकआउट कराते हैं इसमें क्या क्या लगाया गया है। ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले इसके अंदर लगाए हैं लीवर गार्ड, जिससे आपके लीवर और हैंड ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं आपकी सेफ। और ब्लैक लगा दिया, पूरा फुल ब्लैक के अंदर है, काफ़ी हैवी क्वालिटी का, देख सकते हैं आप दोनों तरफ लगाया गया है इसके अंदर। और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसके अंदर लगाया नंबर प्लेट फ्रेम, जिससे कि जो नंबर प्लेट थी इसकी 1919, ये इसको पूरा कवर अप कर दिया गया है, इससे आपकी नंबर प्लेट टूटने का खतरा हो जाता है ख़त्म पूरी तरीके से। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, आप देख सकते हैं ये लगा दिए गए हैं इसमें रेडिएटर गार्ड, जो कि निंजा 400 की जेन्युइन फिटिंग है इसकी, कोई आपकी लोकल नहीं, कोई किसी और गाड़ी की नहीं, सेम इसी गाड़ी निंजा 400 की स्टेनलेस स्टील लगा दी गई है इसके अंदर। और इसके बाद आपको दिखाते हैं इसके अंदर मोबाइल होल्डर, जो कि HJG ओरिजिनल का इसके अंदर लगा दिया गया है, ये केकड़ा स्टाइल स्पाइडर स्टाइल इसको कहते हैं। और इसे लगाने के बाद ना फ़ोन कभी भी आपका ज़िंदगी में ख़राब हो ही नहीं सकता है। जो लोग कहते हैं ना मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, टूट गया, ये हो गया, तो इसे लगाने के बाद सारी प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व। फिटमेंट काफ़ी जेन्युइन है इसकी, आप देख सकते हैं, और साथ में इसमें देख सकते हैं क्या जर्मन तरीके से फिट है। ये HJG ओरिजिनल है, देखिए ये आपका HJG ओरिजिनल है, ये कोई लोकल नहीं है जो लगाया है इसके अंदर। साथ में इसमें देखने को मिल जाते हैं स्लाइडर्स, जो कि इसके अंदर लगा दिए निंजा 400 के ही जर्मन फिटमेंट के साथ, आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी क्वालिटी के स्लाइडर्स में लगा दिए गए। और भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, जैसे कि देख सकते हैं आप ये स्लाइडर्स कोई भी इसमें लगा सकते हैं। और बाकी इवोटेक वगैरह आपको चाहिए तो वो भी हमारे पास मिल जाते हैं इवोटेक के, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होते हैं। ये देखिए, ये इसके इवोटेक के स्लाइडर्स हैं, अगर ये चाहिए तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। और इसके बाद इसमें लगाए गए हैं, साथ में दिखाऊंगा आपको सीट कवर, जो कि कुशनिंग विद कवर लगा दिए गए हैं इसके अंदर, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के सीट कवर यूज़ करे हुए हैं, और फोम वगैरह लगा दिए गए, जिससे कि बहुत ही ईजी राइड होने वाली है राइड करने के बाद। साथ में आपको मिल जाते हैं इसके अंदर थाई पैड्स और टैंक पैड। थाई पैड टैंक पैड से क्या होता है, जितने भी राइडिंग करने वाले बंदे होते हैं तो उसके जो पैंट्स वगैरह होते हैं उससे क्या होता है, ये थाइस लग लग के ना ये यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। जो लोग लैमिनेशन कराते हैं उनको भी नीडफुल है, जो नहीं कराते उनके लिए भी ज़रूरी है, इससे लुक भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, देख सकते हैं लुक भी इन्हेंस हो जाता है। साथ में टैंक पैड भी है, पूरा जर्मन फिनिशिंग के साथ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आपको दिखाते हैं इसके अंदर शार्क पावर का लगा दिया गया है इसके अंदर टायर हैंगर, जो कि काफ़ी जर्मन फिटमेंट है इसकी भी, आप देख सकते लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, काफ़ी हैवी क्वालिटी का ड्यूल टाइप इसके अंदर फिटिंग है, जैसे कि इधर भी है
और आपको देखने मिलेगी इधर भी, ये पूरी प्रॉपर फिटमेंट इसके अंदर कर दी गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त लुकिंग इसमें नज़र आ रही है। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ इसके अंदर लगाया गया है एग्जॉस्ट फुल सिस्टम, जो कि आपने साउंड सुनी थी पहले, अब मैं सुनाता हूँ जिसमें एग्जैक्ट जो भैया ने लगवाया है। ये आपका टाइटेनियम का आपका एक क्रॉपॉविक का लग गया है इसके अंदर। मैं इसकी सुनवाता हूँ आपको साउंड। ये इसकी साउंड है जो इसमें लगाया गया है। तो ये इसके अंदर कर दी गई पूरी निंजा आपकी 400 डिश तैयार हो चुका है। और अब मिलवाते हैं भैया से, जिन भैया की बाइक है, इनको हमारा काम कैसा लगा और कैसा नहीं। तो हाँ जी भैया, कैसे आप काम वगैरह सर? एकदम बढ़िया काम है, आप भी आओ विजिट करो और भैया से आके मिलो, काम एकदम ओके मिलेगा आपको। और डिस्काउंट कितना मतलब? डिस्काउंट बहुत मिलेगा, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा मेरी तरफ से, मुझे मिला है ये तो इन्होंने बहुत डिस्काउंट ले लिया। तो डिस्काउंट खैर हो तो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि भैया ने कहा तो हमने इनके बाद मान तो लिए। बट ध्यान रखें, काम पे जाएं, क्वालिटी पे जाएं, रेट पे ना जाएं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और कभी भी आपको कोई भी बाइक मॉडिफिकेशन करानी हो, बाइक है, स्कूटी है, सुपर कुछ भी हो, तो आपको आना कहा ओनली फॉर SKD, जो कि करोल बाग नायवलन 36 नंबर और करोल बाग नायवलन 51 नंबर, दोनों जगह हमारी शॉप मिलने वाली है। और हमारी शॉप सामने फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट आपको मिलेगा आर्य समाज वाला, बैक साइड हमारी एरी जो कि हमारी 36 नंबर गली है। तो अब ध्यान रखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं, राजू भाई SKD को, जो कि जितनी वीडियो है सारी आपको इसी चैनल मिलने वाली है, राजू भाई SKD। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक जय श्री राम।